जेक्वेरी की मदद से अलर्ट ओपन करवाया है, तो इसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आपको अलर्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जेक्वेरी की मदद से मैंने कैसे यानिक एंगुलर में अपने यानिक प्रोजेक्ट में जेक्वेरी की हेल्प से मैंने ये किया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहासिनी मिश्रा। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अपने आयोनिक एंगुलर के एप्लीकेशन में जेक्वेरी को यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको साथ पता होगा कि जेक्वेरी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अगर हमें अपनी वेबसाइट या फिर अपने किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर हमें ऐड करनी, जिससे हमारा एप्लीकेशन ज्यादा इंटरेक्टिव हो यूजर के साथ और यूजर फ्रेंडली हो, मतलब कोई भी हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर हमें एप्लीकेशन में ऐड करनी हो, तो हम उसके लिए जेक्वेरी का यूज करते हैं जनरली, जो कि एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अगर आपको जेक्वेरी को अपने आयोनिक एंगुलर के एप्लीकेशन में यूज करना है तो आप उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल ओपन कर रखा है जो कि arcanknowledge.com से आप ही इसको ओपन करके रीड कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर हमें आयोनिक में यूज करना है जेक्वेरी को, सबसे पहले हमें जेक्वेरी का जो पैकेज है उसको हमें इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। उसके लिए ये कमांड है npm install jquery-save, तो इसको हमें अपने प्रोजेक्ट में रन करना होगा। चलिए फ्रेंड्स हम इस कमांड को रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है डेमो करके मैंने बनाया है, उसमें मैं इंस्टॉल करने वाली हूँ जेक्वेरी को। तो कमांड है npm install jquery-save। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट में इस जेक्वेरी को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको इंस्टॉल होने में, तो आपको उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जेक्वेरी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आपको मैं दिखाती हूँ कि जेक्वेरी आखिर इंस्टॉल हुआ कहाँ पे। तो आप जैसे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे, जैसे मेरा डेमो है, आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम हो उसके अंदर आपको जाना है। देखो SRC के ऊपर एक नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर मिलेगा, उसमें जैसे ही आप जाएंगे नीचे स्क्रॉल करके तो आपको एक सर्च कर लीजिएगा, जे टाइप करेंगे आप जैसे, तो आपको जेक्वेरी का एक फोल्डर मिल जाएगा। नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपका जेक्वेरी का ये जो है सब कुछ वो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एंगुलर का जो वर्जन है वो अगर 10 के ऊपर आप यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, angular.json फाइल के अंदर अपने आयोनिक प्रोजेक्ट में जाके jQuery है उसका आपको पाथ ऐड करना होगा। मतलब जहाँ भी आपका इंस्टॉल, जैसे कि मेरा कहाँ आपका भी वही इंस्टॉल होगा नोड के अंदर jQuery, तो आपको यहाँ तक का पूरा पाथ देख सकते हैं आप। angular.json फाइल के अंदर आपको टेस्ट और बिल्ड दो ऑब्जेक्ट कीज होंगे, वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको jQuery का पूरा पाथ डिफाइन करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स डिफाइन करते हैं, मैं आपको आपके सामने ही करूँगी, आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रखा है। तो देखेंगे आपको यहाँ पे angular.json की एक फाइल मिलेगी, वहाँ पे आपको जाना है। उसमें आपको ऐप के अंदर टेस्ट में सबसे पहले स्क्रिप्ट नाम का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको jQuery का पाथ ऐड करना है। तो हम चलिए jQuery का पाथ सेम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक तो आपको यहाँ पे ऐड करना है स्क्रिप्ट में टेस्ट के अंदर, दूसरा आपको ऐड करना है बिल्ड नाम के, सॉरी फ्रेंड तो टेस्ट का हो गया, ऊपर ही आपको मिल जाएगा बिल्ड, बिल्ड में सबसे पहले बिल्ड में आपको ऐड कर देना है स्क्रिप्ट के अंदर जाके। ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड कर देंगे आप। ओके फ्रेंड्स, अगर आप एंगुलर वर्जन 10 से अबव यूज कर रहे हैं तो आपको ये ऐड करना जरूरी है, नहीं तो फ्रेंड्स आपकी एरर आएगी। अगर आपका वर्जन 10 से बिलो है तो आपको ये ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा उसके लिए मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या आपको करना होगा। पहले हम बात कर रहे हैं अभी एंगुलर 10 से ऊपर वाले वर्जन के लिए बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जिस भी फाइल में यानी जो भी फाइल के अंदर आपको jQuery यूज करनी है वहां पे आपको सबसे पहले तो ये तो आपका बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हुआ आएगा एंगुलर कोर कंपोनेंट और ऑनइनिट, आपको ये लाइन एक्स्ट्रा डिक्लेयर करनी पड़ेगी jQuery के लिए, डिक्लेयर वेरिएबल $any करके। तो जैसे कि मुझे यूज करना है यहाँ पे होम, मेरे प्रोजेक्ट में होम फाइल होम पेज में, तो मैं उसके home.ts में जाऊंगी, homepage.ts में, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड जैसे कि मैंने ये वाली लाइन जो मैंने कमेंट कर रखी है वो आप डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप 10 से ऊपर का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको ये करना कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, आपने ये कर दिया, उसके बाद आपको आपका जो कोड है यानी कि जो भी आपको फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसके लिए आपको जो भी प्रोसेस करना है उसको आपको ngOnInit फंक्शन मिलेगा आपको। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ngOnInit जो एंगुलर का लाइफ साइकिल मेथड है वहां पे आपको अपना jQuery का कोड लिखना होगा। अगर आपको ngOnInit लाइफ साइकिल यूज करना है
तो उसके लिए आपको ऑन इनिट को इम्पोर्ट करना होगा एंगुलर कोर में। देखिए फ्रेंड्स, तो ये मैं यहाँ से इसको इम्पोर्ट कर लेती हूँ अपने प्रोजेक्ट में। आपको भी कंपलसरी ऑन इनिट इम्पोर्ट करना होगा, तो ही आप ng ऑन इनिट लाइफ साइकिल का मेथड का यूज कर सकते हैं। और उसमें मैं देखिए सिंपल सा jQuery का कोड लिखा है मैंने, एक बटन के क्लिक फंक्शन पे मैंने एक अलर्ट ओपन करवाया है jQuery इज वर्किंग हियर का। ओके फ्रेंड्स, अगर आप एंगुलर 10 वर्जन से अबव वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना होगा। अब हम रन करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसा कि मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और मैंने सर सिंपल सा एक क्लिक बटन बनाया है और उस पे के क्लिक पे मैंने एक jQuery की मदद से अलर्ट ओपन करवाया है। तो इसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आपको अलर्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि jQuery की मदद से मैंने कैसे Ionic Angular में अपने Ionic प्रोजेक्ट में jQuery की हेल्प से मैंने ये किया। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका जो वर्जन है वो 10 से नीचे है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, npm install jQuery सेव तो करना ही है। जस्ट आपने पहले डिक्लेयर किया था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ये यूज किया डिक्लेयर वेर डॉलर कॉलन एनी, तो उसके बदले में हमें क्या यूज करना है, इम्पोर्ट स्टार एज डॉलर फ्रॉम jQuery। आप ये करेंगे और आपको पाथ में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपको जस्ट सिंपल एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे एडगम देख सकते हैं आप, अगर आपका वर्जन 10 से बिलो है तो आपको ng unit मेथड में जरूरत नहीं है इसको करने की, आप अलग से कोई फंक्शन बना के उसमें भी ये कोड को रख कर उसको रन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और रही बात इस आर्टिकल की, तो इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से ओपन करके अभी आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। और मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया। उसके बावजूद भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या सजेशन या कुछ भी है तो आप हमको वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।